जब एक शिष्य गुरु के चरणों पे जाता है तो गुरु उनके पास जो भी होता है वह छीन लेता है, और शिष्य उसके पास जो होता है वह गुरु के चरणों में रख देता है। यानी क्रोध, लोभ, माया, मोह सारे गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। वहीं शिक्षक और विद्यार्थी दो अलग अलग शब्द हैं। शिक्षक कहता है, मेरे पास जो है वह सब तुम्हें दे दूंगा। विद्यार्थी कहता है शिक्षक से, आपके पास जो है वह मुझे दे दे। इसलिए गुरु के चरणों में जो जाते हैं वह अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और शिक्षक के चरणों में जो जाते हैं उसमें ज्ञान इतने आ जाते हैं कि वह अहंकार उसमें आंधी और लहरों की तरह उठने लग जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु को महान कहा गया।